संकट नाशक गणेश चतुर्थी। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें, संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें। एक चौकी लें, उस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अब पीले रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश भगवान की प्रतिमा विराजित करें। धूप दीप अगरबत्ती और फूल माला भगवान को अर्पित करें। भगवान को दुर्वा अतिप्रिय है, इसलिए संभव हो तो भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। गणेश चालीसा, गणेश स्तुति और गणेश स्रोत का पाठ करें। गणेश मंत्रों का जाप भी करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण करें। कथा। एक सास थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। वह हरदम गणेश जी की सेवा के अलावा कोई काम नहीं करती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी के मंदिर से दीपक से घी ले आती और भोग में गुड़ लेती। पास ही के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन इस मंदिर के पट खोले गए तो लोगों ने देखा गणेश जी की नाक पर उंगली है तो मंदिर में भीड़ लग गई। उधर बहू गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे गणेश जी, मेरी सास की बुद्धि सही कर दो, मुझे से सां प्यार करने लगे तो तुम्हारा भोग घर पर बना सकूं। इतने में उसने देखा कि मंदिर में भीड़ इकट्ठी हो गई है। सब लोग कह रहे हैं कि जो उंगली गणेश जी के नाक पर रखी है वो हवन यज्ञ पूजन से भी नहीं हटी। अगर इस उंगली को जो कोई हटा देगा उससे मोह मांगा इनाम मिलेगा। यह बात बहू भी सुन रही थी। वह दौड़ी दौड़ी गणेश जी के मंदिर में आई। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। बहू घूंघट निकाल कर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया गुड़ और घी लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपकी उंगली से उठानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात माननी पड़ेगी, इससे पहले मुझे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी ने उंगली हटा ली। सब लोग गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तो तू तो कोई जादूगर नहीं है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बता दी। वेदा जब सास को पता चली तो सास बहू को प्यार करने लगी और साथ में गणेश जी की भी पूजा करने लगी। हे गणेश जी, जैसा आपने सास बहू का मेल मिलाप कराया वैसे ही हर सास बहू का कराना। जय गणेश जी। आरती। हे गणपति तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं स्वामी तुमको मनाऊं, आरती गाऊं स्वामी तुमको मनाऊं, हे गणपति तेरी आरती गाऊं, शंकर सुवन उमा के नंदन, शीश मुकट माथे पे चंदन, देखी छवि बलिहारी में जाऊं, हे गणपति तेरी आरती गाऊं, ज्ञान बोध जय सुख के दाता, गणाध्यक्ष आनंद विदाता, तेरे चरणों में सर्वस वारूं, हे गणपति तेरी आरती गाऊं, जय गजवदन सुमुख सुखकारी, तीन जनों के तुम हितकारी,
तेरे चरणों में नित में ध्याऊं, हे गणपति तेरी आरती गाऊं। तुम के तो एक दंत गजानन, मूसक वाहन विघ्न विनाशक, तेरे चरणों की कृपा में पाऊं। हे गणपति तेरी आरती गाऊं, चरण मातो पितु वंदन कीने, उनके साथ प्रदक्षिण कीने, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गणपति तेरी आरती गाऊं, चरण मातो पितु वंदन कीने, उनके साथ प्रदक्षिण कीने, उन चरणों में शीश नवाऊं। हे गणपति तेरी आरती गाऊं, कंचन थार कपूर की वाती, आरती श्यामा करे दिन राती, ज्योति कलश के दीप जलाऊं। हे गणपति तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को रिजाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को रिजाऊं। हे गणपति तेरी आरती गाऊं। आरती करने के बाद प्रार्थना करें, हे गजानन मैं बुद्धहीन आपका स्मरण करता हूँ, मुझे आप बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए तथा मेरे दुखों को व दोषों का नाश कीजिए। जय हो गजानन भगवान की।